टुडे आई इन्फॉर्म यू पब्लिक नोटिस ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विदाउट लेट फीस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर 2021 फॉर एग्जाम बी हेल्ड इन द मंथ अप्रैल एंड मई 22 ऑल रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस द अर्लीस्ट सेव वन प्रीवियस ईयर रिगार्डिंग टीम बॉस। कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये बोर्ड वैलिड है या नहीं, तो ये इग्नू जो है दिल्ली बोर्ड है, इंदिरा गांधी बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन नियर इंदिरा बाईपास NH 10 गंगटोक ईस्ट सिक्किम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इसे मान्यता मिली हुई है बोर्ड को, इसे पढ़िएगा आप। इन रेफरेंस योर लेटर डेट 10/1/22 अबव द मेंटेनेंस सब्जेक्ट आई हैप्पी द इन्फॉर्म यू इग्नू हैज़ बीन इंक्लूडेड बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन बॉस एज वैलिड बोर्ड ऑफ पर्पस अकेडमी पर्सुएंट एंड इग्नू। वाइस चेयरमैन को ये लेटर प्रोवाइड किया गया है, पंजीकृत किया गया है बोर्ड को। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको, बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर इसकी मार्कशीट किस तरह की होती है, तो मैं आज आपको मार्कशीट बता रहा हूँ। बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन सिक्किम बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, सीनियर सेकेंडरी जिसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, ट्वेल्थ क्लास बोलते हैं, इससे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर 21 ESS 02-01-061 इन्वॉल्वमेंट नंबर 2022-10016 फर्स्ट ऑफ ऑल नेम स्टूडेंट ऑफ रोहित माथुर की ये मार्कशीट है, मदर्स नेम ललिता माथुर, फादर्स नेम नरेंद्र माहौर है, रोहित माहौर, ललिता माहौर, नरेंद्र माहौर। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ दिया आपको, सब्जेक्ट दिया हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, चॉइसिंग सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स 100, टोटल ग्रांट 500, थ्योरेटिकल मार्क्स 53 इन हिंदी, इंग्लिश 53, थ्योरेटिकल मार्क्स फिजिक्स 64, केमिस्ट्री थ्योरेटिकल मार्क्स 67, बायोलॉजिकल 68 एंड CA 12, 16, 11, 14 एंड पर सब्जेक्ट। टोटल ग्रांट 65 इन इंग्लिश, 69 फिजिक्स, 75 केमिस्ट्री, 81 बायोलॉजी, 84 ग्रेड बी ग्रेड इन हिंदी इंग्लिश बी ग्रेड, फिजिक्स बी प्लस ग्रेड, केमिस्ट्री ए ग्रेड, बायोलॉजी ए ग्रेड। टोटल ग्रांट ग्रेड बी प्लस। टोटल मार्किंग 500 इन मिनी मार्किंग ऑप्शन 374 अबव, ये आप डिवाइडेड कर लीजिए 5 से 7 एंड 7 टू एव 74% मार्किंग। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 10th क्लास मीन्स मैट्रिक, 10th क्लास भी बोलते हैं, मैट्रिक बोलते हैं, सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोलते हैं। सेम शेड्यूल है, नेम मदर नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल साइंस, चॉइसिंग सब्जेक्ट होते हैं, एनी भी कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस करके ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 100 है, टोटल मार्किंग 500 है, मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एक या दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में एवरेजिंग मार्क्स 60 प्लस मार्क है, और इधर टोटल ग्रांट आपको 383 बी प्लस है, अबव डी एस 70 प्लस मार्क्स। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, बी फार्मा, बहुत सारे
स्टूडेंट्स को सवाल होता है, सर हम यहाँ से ट्वेल्थ करने के बाद हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो ये बोर्ड को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन मिला हुआ है या कंसिडरेशन बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग सिक्किम बोर्ड दिस द पर्पज एडमिशन वेरियस फार्मेसी कोर्स। इस कोर्स ट्वेल्थ करने के बाद, टेंथ करने के बाद कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको परमिशन दिया हुआ लेटर प्रोवाइड किया है। कंसिडर्ड ऑफ बोर्ड ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम एंड पर्पज एडमिशन वेरियस फार्मेसी कोर्सेस। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेफरेंस नंबर, दिस इज इंफॉर्मेशन। मैं आपको कुछ कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, उनका मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। सर क्या मैं आर्मी में मान्यता है? अफकोर्स ये बोर्ड वैलिड बोर्ड है, हर जगह वैलिड है। दिस बोर्ड इज़ लिस्टेड कॉप से, इसके लिए फाइल लगी हुई है, कुछ दिनों में इसके लिए वैलिड हो जाएगा। ये फाइल आगे प्रोसेसिंग में चल रही है क्योंकि ये नया बोर्ड है, इसको धीरे धीरे करके सारी मान्यता मिलती जा रही है। उसमें दिल्ली टेंथ बोर्ड का सर्टिफिकेट किस जॉब के लिए एलिजिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड सारे वैलिड ही होते हैं। ट्वेल्थ क्लास की एडमिशन में कितना फीस लगेगा? सर इसके लिए आप कमेंट करिए आपको क्या कौन सा कोर्स करना है, आपने टेंथ कौन से बोर्ड से किया है। दिस बोर्ड इज़ अप्रूव NIOS, आपको सर इग्लू NIOS सारे बोर्ड उन्होंने परमिशन दे रखी है, परमिशन दे रखी है। आप यहाँ से कोर्स करके किसी भी बोर्ड में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, NIOS बोर्ड में, इग्लू बोर्ड में। सर मैं UP से हूँ, बी फार्मा करना है, इस बोर्ड की मार्कशीट से एडमिशन मिल जाएगा? अफकोर्स अभी मैंने आपको फार्मेसी ऑफ काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का लेटर आपको दिखाया है कि यहाँ से आपको अप्रूवल मिला हुआ है बोर्ड को। सर बोर्ड सिक्किम टेंथ करने के बाद NIOS से ट्वेल्थ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, NIOS ने इसे अप्रूव किया हुआ है, इग्लू से अप्रूव किया हुआ है, सभी बोर्डों से अप्रूव्ड बोर्ड है ये। सर प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट, आप टेंथ करके यहाँ से NIOS से ट्वेल्थ कर सकते हैं। और सर ये इंस्टीट्यूट खोरदा में था, सॉरी। यस सर, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोर्ड क्या वैलिड है? इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सर हरियाणा बोर्ड ने इसकी मान्यता क्यों रद्द कर दी? ऐसा नहीं है, इसकी मार्कशीट कब आएगी पिछले वाले एग्ज़ाम की? आ चुकी है, नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम अप्रैल और मई में हेल्ड होगा। सर मैंने एडमिशन किया है सिक्किम बोर्ड से, सर एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम कैसा होगा? एग्ज़ाम ऑनलाइन बेसिस है, अप्रैल और मई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब सर्टिफिकेट चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल एवरीवन प्लेसेस। जो पिछले एग्ज़ाम कराए हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा है? बिकॉज पेंडेमिक टाइम था कोविड का, इसलिए सारे रिजल्ट आपके मार्च में आ चुके हैं, आपका चेक कर लीजिए। ओके सर, ये वैलिड बोर्ड है क्या बॉस? गवर्नमेंट, बिल्कुल वैलिड बोर्ड है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। इसका एग्ज़ाम कैसा देना होता है? इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन बेसिस होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। HS इम्प्रूवमेंट एडमिशन डिटेल प्लीज। ओके, नेपाल में इसकी मान्यता है? बिल्कुल है, नेपाल में मान्यता है, ऑल इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल, फॉरेन लेवल पे वैलिड बोर्ड है। थैंक यू। आपको गूगल पे जाना है, BOSSE क्लिक करना है,
आप इस साइट पे आ जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डायरेक्टली गूगल पे जाएं, BOSSE टाइप करें, सारी डिटेल आपको बोर्ड की साइट पे मिल जाएगी। जो भी आपकी इंक्वायरी है, फीस से रिलेटेड है, बोर्ड से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। योर प्रोग्राम्स, सेकेंडरी प्रोग्राम इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज, फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल एडमिशन 24+7, एस्ट्रोनॉलेज भी अचीवमेंट इवेंट, वाई चॉइस वी टेक एडमिशन, कैन वी टेक एडमिशन, ऑल इंफॉर्मेशन अवार्डेड। नेटवर्क स्लो है, मोस्ट प्रोमिसिंग ओपन स्कूलिंग बोर्ड इन इंडिया ड्यू टू एक्सलेंस कोर्स सर्कुलर एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड रिसोर्स वेल द क्वालिफाइड एंड वेल सीनियर्स एंड एकेडमिक बोर्ड बॉस रिकॉग्नाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन NEP 2020। स्टूडेंट लॉगिन, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर करें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट में लें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।